हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृतिका। मैं कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट फ्रंट एंड बैक डीप ब्लाउज बनाएंगे, साथ में हम पफ स्लीव्स भी बनाना सीखेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने कपड़े को वन फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ से मैंने इसको एक बार फोल्ड कर लिया है। ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम फ्लैट बॉडी के हिसाब से ब्लाउज बना रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। वो चेंजेस क्या रहेगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, ओके? मैं बता दूंगी। यहाँ पे हम बैक पार्ट की ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बैक लिख लिया है, ओके? आपको समझ आए कि ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। सबसे पहले हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंच की है। स्ट्रेट लाइन से हम मार्क करेंगे 15 इंच पे। आपको जो भी हम आज सीखेंगे ना, वो आपको जब आपकी फ्लैट बॉडी रहेगी ना, तब भी आपको ये वाला करना है, ओके? नहीं तो हम जिस जैसे भी करते आ रहे हैं ना, उसी टाइप का आपको करना रहेगा। यहाँ पे हमने 1 इंच प्लस करके मार्क कर लिया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन रहेगी ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। अब हम यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी कितने इंच की है? 23 इंच की है। तो उसको हमें सिर्फ डिवाइड 4 करना है। हम मार्क करेंगे 5.7 इंच पे। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे इस तरीके से। फिर 5.7 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमें सिलाई का ऐड करना है 1.5 इंच का। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई का ऐड कर लिया। ये कंप्लीट हो गया है। अब हमारा चेंज होगा यहाँ पे, ओके? हम क्या करते आ रहे थे कि यहाँ से हम जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करते, फिर 2.5 इंच पे मार्क करते, ये सब करते हैं ना। तो आपको इसमें बैक पार्ट में इस तरीके का कुछ भी नहीं करना है, ओके? जब आपकी फ्लैट बॉडी के हिसाब से आप ब्लाउज बना रहे होगे तब। अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए जो हम लाइन बनाते हैं वो लाइन बनानी है। उसके लिए हमारे पास सूत्र है। वो सूत्र आप अभी लिख के रख लो। तो वो सूत्र क्या है? चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.7 इंच। हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 29 इंच की। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.7 इंच। हमें आंसर कितना मिलेगा? 5.5 इंच। हम इंची टेप को स्ट्रेट लाइन पे रख लेंगे। फिर 5.5 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। जहाँ पे भी हमने 5.5 इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन रहेगी ना, ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हमें यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए उसको सिर्फ डिवाइड 4 करना है, ओके? तो चेस्ट हमारी 29 इंच की है, उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.2 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टैप को रख लेंगे। 7.2 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमें सिलाई का कितना ऐड करना है? 1.5 इंच का। तो हम यहाँ पे सिलाई का 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। अब ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा डीप नेक है, फिर भी हमें शोल्डर माइनस चार्ट अभी नहीं देखना है। जब हम फ्रंट बार ड्रॉ करेंगे ना, तब मैं आपको समझा दूंगी। बट अभी हमें यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। तो वो मार्किंग क्या है? तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा उसको आपको डिवाइड 2 कर लेना है। हमारा आंसर मिलेगा 6.7 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टैप को रख लेंगे। 6.7 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हमें मार्क कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे कितने इंच पे मार्क किया? 6.7 इंच पे। तो 6.7 इंच में से हमें 0.7 इंच माइनस करना है, हमें मिलेगा 6 इंच। तो ये 6 इंच को हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करना रहेगा। यहाँ से हम इंची टैप को स्ट्रेट रखेंगे। फिर 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहां पे हमने ये 6 इंच पे मार्क कर लिया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने जो ये मार्किंग की है ना, ये दोनों का हमें सेंटर निकालना है। तो सेंटर हम किस तरीके से निकालते हैं? यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पे हमने एक मार्क कर लिया है। जो भी हमने सेंटर मार्क किया है ना, ये दोनों का भी हमें सेंटर निकालना रहेगा। तो यहाँ से हम इंची टैप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें एक मार्क कर लेना है।
अब हमें देखना है कि हमें रेडी शोल्डर कितने इंच का चाहिए, तो हम यहाँ पे रेडी शोल्डर रखेंगे 2 इंच का। ये दोनों का हमने सेंटर करके हो गया। अब हमें यहाँ से रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। रेडी शोल्डर हमारा कितना है, तो 1.5 इंच का रेडी शोल्डर है, तो हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हमें 2.5 पे मार्कर यहाँ पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे बैक साइड पे हमें सिर्फ इतना ही करना है, फिर जो भी आर्म होल ये सब ड्रॉ करना रहेगा ना, तो वो जब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे ना उसके बाद हमें कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हम इसके नीचे से ही फ्रंट पार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है, उसको हमें सिर्फ डिवाइड 2 करना है, हमें मिलेगा 6.7 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे और 6.7 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमें एक मार्क कर लेंगे। जहाँ पे भी हमने 6.7 इंच पे मार्क किया है वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करना है, उसकी मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है। तो जब आप इस टाइप का ब्लाउज बना रहे होगे फ्लैट बॉडी के हिसाब से, तब आपको कौन सा सूत्र यूज करना है, तो चेस्ट का सिर्फ डिवाइड 6 करना है। हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 29 इंच की है, उसका आपको सिर्फ डिवाइड 6 करना रहेगा। ओके, तो हमारा कितने इंच आएगा, 4.8 इंच आएगा। इंची टैप को हम यहाँ पे रख लेंगे, फिर 4.8 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। 4.8 इंच पे हमने मार्क करके हो गया, यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट के लिए हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है। कितनी लूजिंग ऐड करनी है, तो 1.5 इंच की। ओके, तो हमारी चेस्ट कितने इंच की, 29 इंच की चेस्ट है, उसमें हमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना है, फिर इसको डिवाइड 4 कर लेना है, हमें मिलेगा 7.6 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 7.6 इंच पे हमें एक मार्क कर लेंगे। सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच का। अब हमें यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की जरूरत है। आपको इसकी फोटो कम्युनिटी में मिल जाएगी, तो आप इसकी टेंशन मत लेना। ओके, नहीं तो मैं स्क्रीन पे भी आपको फोटो दे दूंगी। अब देखो यहाँ पे हमें कौन से पार्ट का देखना है, यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का रहेगा। ये फ्रंट पार्ट की ड्राइंग है ना, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर का नाप चाहिए, नेक शेप, नेक का शेप और नेक का डीप। पहले हम देखेंगे कि रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 1.5 इंच का है, तो हमें ये वाला चार्ट देखना रहेगा। रेडी शोल्डर हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमें नेक का शेप देखना है। नेक का शेप हमारा स्वीट हार्ट है, तो हमें यहाँ से ये वाली लाइन देखनी है। नेक टिप हमारा 7 इंच का है, तो हमें यहाँ से ऐसे स्ट्रेट देखना है, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 2.2 इंच मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ कि आंसर हमारा आया 2.2 इंच। जो भी हमारा 2.2 इंच आंसर आया उसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करना रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 2.2 इंच आंसर आया ना, तो जब हमारी फ्लैट बॉडी के हिसाब से ऐसी ब्लाउज रहेगी ना, तो हमें अभी इसमें क्या करना रहेगा, तो 2.2 इंच में से हमें प्लस 0.7 इंच करना रहेगा, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 2.9 इंच। तो हम यहाँ पे कितना इंच ले लेंगे, 3 इंच ले लेंगे, तो 2.2 इंच आंसर आया। उसमें हमने प्लस किया 0.7 इंच, तो हमारा आंसर कितना आया, 2.9 इंच आया। तो 9 है ना, तो इसमें हम 1 प्लस कर सकते हैं, इसके लिए मैंने 3 इंच लिया। अब हमारा सूत्र है, सूत्र क्या है कि फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 13.5 इंच का है। मिला हुआ शोल्डर मतलब कि क्या, तो जो भी हमारा अभी 3 इंच हमने लिखा है ना, वो 3 इंच हो गया हमारा मिला हुआ शोल्डर, और डिवाइड बाय 2 तो हमारा सूत्र में है। अब हमें 13.5 - 3 डिवाइड बाय 2 कर लेना है, तो हमें मिलेगा 5.2 इंच। ओके, तो 5.2 इंच रहेगा, ये हमारा फ्रंट साइड का आंसर रहेगा। अब ये 5.2 इंच को हमें कहाँ से मार्क करना है, तो ऑन फोल्ड साइड से एक मार्किंग हमें यहाँ पे कर लेनी है और एक मार्किंग हमें यहाँ पे कर लेनी है। अब इंची टेप को हम ऑन फोल्ड साइड से रख लेंगे, फिर 5.2 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे।
सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करने हैं, तो ऑन फोल्ड साइड से ही हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर 5.2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग बना रहे हैं, बट यहाँ से हमें हाफ इंच जितना हम अंदर जाते हैं ना वो सब नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको माइनस कर दिया है। अब हमें इसका सेंटर निकालना है, तो यहाँ से हम इंची टैप को ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर जो भी हमें सेंटर मिलेगा वहाँ पे हमें एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसका सेंटर मिल गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि 40 इंच की चेस्ट रहती है तो हमें कम ज्यादा करते हैं ना, तो जब हमारी इस टाइप की ब्लाउज रहती है तो हमें यहाँ पे कितने इंच पे मार्क करना है, तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, सिर्फ इतना ही मार्क करना है। ओके, अब ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका हमें सेंटर निकालना है, शोल्डर का हम सेंटर निकालेंगे। इंची टेप को हम यहाँ पे रख के इसका सेंटर हमें मिल जाएगा इस तरीके से। सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेंगे, फिर सेंटर से हमें इंची टेप को स्ट्रेट रख लेना है। अब यहाँ पे हमारी तीन मार्किंग हो जाएगी ना एक साथ। हमारा नेक, फ्रंट पार्ट का नेक कितना है, 7 इंच का, 7 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया। अब शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितने इंच का है, 9.5 इंच का है, हाफ इंच हमें प्लस करना है, तो 10 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब लेंथ हमारी कितनी है, 14 इंच की हमारी लेंथ है, तो हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 15 इंच पे हमें एक मार्क कर लेंगे। अब जो भी हमने मार्क किया है ना उसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन रहेगी ना ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, यहाँ पे हमारी अपेक्स लाइन रहेगी और ये हमारी नेक की लाइन रहेगी। अब हमें नेक बनाना है, तो नेक हम जब हमारा डीप नेक रहता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो सेम हमें यहाँ पे कर लेना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई तो ऊपर का जो भी रहेगा वो हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये ऊपर का पूरा हमारा माइनस हो गया। अब हम क्या करते थे कि नॉर्मल ब्लाउज में हम जो हमारी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा तो हम यहाँ से माइनस करते थे ना, तो ये सब कुछ यहाँ पे नहीं करना है। ओके, अब हमें यहाँ से थोड़ा सा 0.2 इंच जितना इस तरीके से इसको ऐसे शेप दे देंगे, ऐसे क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। ओके, अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच का है, हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 2.5 इंच पे हमें एक मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमें नेक की विड्थ मिल जाएगी, तो नेक की विड्थ हमें मिलेगी 2.6 इंच, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 2.6 इंच पे। यहाँ पे आप ज्यादा भी ले सकते हो और कम भी ले सकते हो। अब ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम नेक का शेप दे देंगे, तो यहाँ से हम नेक का शेप थोड़ा सा अलग देंगे। स्वीट हार्ट नेक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, स्वीट हार्ट नेक हमने बहुत टाइम बना लिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको इस तरीके का शेप दे देंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा इसको बाहर जाने देंगे, 0.25 या इतना, थोड़ा सा मतलब बहुत कम। अब ये पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ऐसे मिला लेना है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इस साइड भी कर सकते हो, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड रखेंगे ताकि हमारा शेप थोड़ा सा हम इसको इस ऊपर की साइड रखेंगे ताकि हमारा शेप एकदम प्रॉपर दिखेगा। ओके, यहाँ से हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, फिर यहाँ से इसके साथ इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे, तो हमारा जो शेप रहेगा ना वो यहाँ से ऐसे फिर ऐसे रहेगा। ओके, तो ऊपर का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, नेक कैसे किया वो समझ में आ गया। अब हम नीचे का देखेंगे, तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितने इंच का है, 6 इंच का हमारा अपेक्स टू अपेक्स है, उसको हमें सिर्फ डिवाइड 2 करना है, हमें मिलेगा 3 इंच, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। 3 इंच में से हमें 0.5 इंच माइनस कर लेना है, तो हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें टक्स कितने इंच का लगाना है, उसके लिए हमारे पास चार्ट है जो आप सबको मिल गया है,
जिसको अभी तक नहीं मिला कम्युनिटी में जाके देख लेना, वहां से आपको ये चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी चेस्ट 29 इंच की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 इंच तक रहेगी तो आपको वेस्ट में 2.5 इंच का टक्स लगाना रहेगा। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का टक्स लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग को हमें यहाँ पे अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें ये दो इसका सेंटर निकालना है, तो यहां से हम इंची टैप को रख लेंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पे हमें तीन सेंटर निकालना है ना, तो जैसे रेगुलर हम तीन सेंटर निकालते हैं वैसे ही आपको भी ऐसे सेंटर निकाल लेना है। यहाँ से हमें ये दो सेंटर मिल गया। अब ये हमारा यहाँ पे आएगा। अब जो भी हमारी लास्ट वाला जो सेंटर है वहां से हमें हाफ इंच पे एक मार्क कर लेना है। अब सेंटर में से हम कितना जाते हैं, सिर्फ 0.2 इंच जाते हैं ना, तो 0.2 भी जा सकते हो और हाफ इंच भी। तो इस टाइप की ब्लाउज फ्लैट बॉडी की ब्लाउज रहेगी तो आपको यहाँ पे हाफ इंच बाहर मार्क कर लेना है। ये वाली मार्किंग को हमें ऐसे ही रहने देना है। अब इसको हमें यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे, इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे और ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे मिला लेना है और इसको हमें यहाँ पे मिला लेना है। यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है तो इसको पॉइंट नहीं बनने देना है। अब हम यहाँ से एक लाइन जितना अंदर जाएंगे फिर राउंड शेप दे देंगे। हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारी कितने इंच की है, 23 इंच की है। उसको हमें डिवाइड 4 करना है, हमें मिलेगा 5.7 इंच। तो कपड़े को हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, माइनस करना है टक्स को इसके लिए। फिर 5.7 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे, 5.7 इंच। तो देखो यहाँ पे 5.7 इंच है तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमें सिलाई का कितना ऐड करना है, तो 1.5 इंच का, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये दोनों को चेक करेंगे, तो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे, ये हमारा कितने इंच आएगा, ये हमारा 5 इंच आएगा, तो यहाँ पे भी हमारा 5 इंच आना चाहिए। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको चेक करेंगे, 5 इंच जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच इतना ऊपर मार्क करना है। अब ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो नीचे का पूरा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हमें हाफ इंच इतना ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ हमें हाफ इंच में एक लाइन जितना कम ऊपर जाना है। यहाँ से हम इसको ऐसे क्रॉस मार्क कर लेंगे, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, तो आर्म होल में टक्स में हमें थोड़ा सा चेंजेस करना रहेगा। तो यहाँ पे हमने कितने इंच का टक्स लिया, 2.5 इंच का, तो उसका हम हाफ करेंगे। 2.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1.2 इंच। चेस्ट लाइन पे हम इंची टैप को रख लेना है, 1.2 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब ये जो हमने 1.2 इंच पे मार्क किया है ना, ये लाइन को ही हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है यहाँ पे, ओके। अब यहीं से हमें 1.2 इंच कहाँ पे आएगा वो चेक करना है। तो यहाँ पे हमने 1.2 इंच पे मार्क करके हो गया। अब ये लाइन को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। जितनी भी हमारी लाइन बाहर जा रही है उतना हम जाने देंगे। फिर यहाँ से हम इसको चेक करेंगे, यहाँ से हम इसको चेक करेंगे तो हमारा 6.1 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमारा 6.1 इंच आना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से हम हाफ इंच इतना नीचे जाएंगे। अब साइड फिटिंग वाली जो लाइन है ये लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्केल को, या ये लाइन को ध्यान में रखेंगे फिर स्केल को स्ट्रेट रख लेंगे। अब हमें ये जो हमने मार्क किया है ना, इसको हम ये वाली लाइन को ध्यान में रखेंगे, फिर यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है उतना यहाँ पे आना चाहिए। वैसे हम इसको स्केल को रखेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम नया आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेंज क्या हुआ, हमने यहाँ पे मार्क किया फिर हाफ इंच ऊपर जाते थे ना, हाफ इंच मतलब इसका जो सेंटर निकालते उतना ऊपर जाते ना, वो सब करते, वो सब कुछ नहीं करना है, ओके। डायरेक्ट हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमारा नीचे का तो प्रिंसेस कट का शेप हो गया, यहाँ पे बाकी है ना, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ से हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर इसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर पे हमें एक मार्क करना है,
सेंटर जो हमने निकाला है ना, वहां से हमें 0.2 इंच जितना बाहर मार्क करना है। अब ये पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला लेना है, ये जो हमारी लाइन है ना यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे इस तरीके से। फिर इसके साथ हमें इसको सेव दे देना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ना हमें ये टक्स माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इसका फर्मा निकालना पड़ेगा, फ्रंट पार्ट का हमें फर्मा निकालना पड़ेगा। ओके, ये जो रहेगा ना यहाँ पे ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, जो भी मैं क्रॉस लाइन बना रही हूँ ना ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले तो हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो यहां से हम इसको कट कर लेंगे, तो हमने साइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमें फर्मा निकालना है ना, तो कपड़े को हमें वेस्ट नहीं करना है, तो यहाँ से हम सिंगल फैब्रिक ले लेंगे। ओके, ताकि हमारा नीचे का जो फैब्रिक रहेगा ना वो हमें और ब्लाउज के फर्मे की कटिंग के लिए काम आ सके, तो इसको हम अलग कर लेंगे। ताकि हमारा ये फैब्रिक रहेगा ना, इसमें से हम फर्मा निकालेंगे। तो नीचे का मैंने कट कर लिया, यहां से ये भी पूरा माइनस हो जाएगा। आम होल को तो हमें ज्यादा ही रखना है ना, तो इसको मैंने यहां से इतना कट कर लिया है। तो देखो ये जो कपड़ा रहेगा ना इसको हम दूसरे जो भी हमारा मार्किंग करना रहेगा उसमें हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारा प्रिंसेस कट है, तो इसमें से हमें प्रिंसेस कट निकालना है ना, उससे पहले हमें यहाँ से जो भी कट करना रहेगा ना उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से ये वाला टक्स हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ से हम इसको कट करेंगे, ये वाले पार्ट को भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये कट हो गया, अभी नीचे का ये भी माइनस हो जाएगा। ये पूरा माइनस हो गया। अब जो भी हमने क्रॉस लाइन बनाई है ना उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें ये माइनस करना है ना टक्स इसके लिए। अब इसके ऊपर हम प्रेस चला लेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हो जाए। देखो यहाँ पे ना मैंने इसको अच्छे से प्रेस लगा लिया है ताकि हमारा जो फैब्रिक है ना वो अच्छे से सेट हो जाए, हमारा फर्मा परफेक्ट निकलेगा, तभी तो हमारी ब्लाउज परफेक्ट आएगी ना। इसके लिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है, तो आर्म होल को जो भी हमारा आर्म होल रहेगा ना नया वाला जो आर्म होल निकलेगा उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा कट हो गया, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल रेडी हो गया है, यहाँ से हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अब हमें कौन सी लाइन को कट करना है, तो जो भी हमने अभी बनाया है ना ये वाला पार्ट, यहां से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहां से हल्का सा पॉइंट बनेगा, तो पॉइंट नहीं बनने देना है, तो इसको हम यहां से इस तरीके का शेप देके कट कर लेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे पॉइंट बन रहा है ना, तो हमें यहां से ऐसे कट कर लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करते टाइम हमें ये दोनों में यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड करना है और यहाँ पे भी। अब हम बैक पार्ट पे इसको रख के चेक करेंगे। बैक पार्ट से हमें यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे जाना है, हाफ इंच पे मैंने एक मार्क करके हो गया। अब हमारा ये जो प्रिंसेस कट है ना उसको हम यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे हमारी जैसी भी लाइन क्रॉस जा रही है वैसे हम मार्क कर लेंगे। सेम हमें यहाँ पे भी कर लेना है। अब हमें यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सेम हमें यहाँ पे करना है। और यहाँ पे हमारा जहाँ पे भी पॉइंट बनेगा ना, देखो यहाँ से हमारा बॉक्स होगा ना, तो वहां से हमें हाफ इंच पे मार्क करना है। इस टाइप की ब्लाउज रहेगी तो आपको हाफ इंच पे मार्क करना है और ये हाफ इंच और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। हमारी ब्लाउज की जो लेंथ रहेगी ना वो हमारी 12.5 से लेके 13 इंच तक रहेगी तो हमें चलेगा। तो हमें यहाँ पे 12.5 इंच की लेंथ रेडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम गैप चेक करेंगे तो हमारा गैप 1 इंच का आएगा, तो सेम 1 इंच पे ही हमें मार्क कर लेना है। अब हमें ये लाइन को यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। नीचे का बेल्ट हमें कितने इंच का चाहिए,
तो नीचे का बेल्ट हम रखेंगे 2.2 इंच का, तो हमें मार्क करना है 3.2 इंच पे। अब यहाँ पे देखो नेक की वेट हमें बहुत ज्यादा मिल जाएगी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी नेक की वेट रहेगी, तो यहाँ पे हमारी नेक की वेट 4.2 इंच है, तो 1 इंच माइनस करना है, तो 3.2 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। जितनी भी आपको आपकी यहाँ पे नेक की वेट रहेगी उसमें से आपको 1 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। फिर ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए, दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम जो भी आपको नेक का शेप बनाना रहेगा वो शेप दे देना है। तो यहाँ पे हम राउंड शेप बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें राउंड शेप दे, यहाँ पे मैं राउंड शेप दे दूंगी। बैक साइड पे हमारा नीचे का जो ये रहेगा ये हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट में हमें हुक आई की पट्टी लगानी है ना, तो इसमें हमें सिलाई का भी तो ऐड करना रहेगा ना, तो हाफ इंच इतना हम यहाँ पे सिलाई का ऐड कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की मेन अस्तर की कटिंग हो गई। बैक पार्ट हमारा मेन अस्तर रहेगा, और जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसके लिए हमें फरमा निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने फरमा निकाल लिया है फ्रंट पार्ट के लिए। ओके, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे सिलाई का यहाँ पे ऐड करना रहेगा, और यहाँ पे ऐड करना रहेगा, वो सिलाई का ऐड कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को, जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा, डायरेक्ट मैंने मेन फैब्रिक पे ही ड्राइंग करनी है, तो यहाँ पे मैंने एक बार फोल्ड कर लिया। वापस हम इसको फोल्ड कर लेंगे, ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। अब हमारी स्लीव्स कितने इंच की है, तो हमारी जो स्लीव्स रहेगी ना वो हमें 5 इंच की बनानी है, बट वो हमारा 1 इंच इतना फ्रिल्स में जाएगा, तो हम लेंगे 4 इंच की। 4 इंच की हमारी स्लीव्स रहेगी, बट ऊपर की साइड से हमें कितने इंच का पफ दिखाना है उसके हिसाब से मार्किंग करनी है। ऊपर की साइड से हमें 1.5 इंच का पफ दिखाना है, तो उसका हमें डबल कर लेना है, तो हमें 3 इंच पे मार्क करेंगे। 3 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हमारी 4 इंच की स्लीव्स है, तो हमें हाफ इंच प्लस करना है, 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है, क्योंकि हमें पफ बनाना है ना, वो हमें पफ 2.5 इंच का रखना है, क्योंकि हमें ज्यादा पफ चाहिए ना इसके लिए। हमने यहाँ पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें, अब हमें जो हमने ये मार्किंग की है ना, यहाँ से हमें टी शर्ट स्लीव्स का फरमा ले लेना है। अब यहाँ पे इसको रख लेंगे, जैसे भी हमारा फरमे का शेप जा रहा है उस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे। फरमा हम सिर्फ शेप देने के लिए यूज करते हैं, आपको भी ऐसे फरमा बनाना रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप ऐसे बना के रख लेना। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी हमारा फ्रंट पार्ट है ना उसको हम ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा हाफ इंच इतना शोल्डर में जाएगा, हमने हाफ इंच पे मार्क कर लिया, इसके बराबर हम इसको रख लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा शोल्डर प्रिंसेस कट में हाफ इंच जाएगा, तो इसको मैंने कम कर लिया। फिर यहाँ से भी हम इसको कम कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसको रख लेंगे इस तरीके से, तो जहाँ पे भी आएगा हमने एक मार्क कर लिया। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बैक पार्ट ले लेंगे, बैक पार्ट में भी हमारा हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, तो इसको हम हाफ इंच माइनस कर लेंगे। हाफ इंच माइनस करेंगे, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारा कहाँ पे आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, ये दोनों का हमें सेंटर ले लेना है, सेंटर ले लिया। यहाँ पे हमारी मोरी कितने इंच की है, तो मोरी हमारी 9 इंच की हमारी मोरी है। ओके, तो 9 इंच का हमें हाफ करना है, हाफ इंच करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4.1 इंच। 4.1 इंच पे एक मार्क कर लिया, सिलाई का हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है 1.5 इंच का। अब ये हमारी फाइनल लाइन रहेगी, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये फाइनल लाइन रहेगी ना, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच जितना अंदर मार्क करना है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये दोनों का सेंटर निकालना है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेना है। अब यहां से हमें 1 इंच इतना डाउन जाना है, ये 1 इंच हम डाउन जाएंगे। अब इसका सेंटर निकाला है ना, तो यहाँ पे हमें इसका भी सेंटर निकालना है, तो यहाँ से हम इंची टैप को फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से 0.2 इंच इतना
डाउन जाना 0.2 इंच या हाफ इंच जितना भी आप डाउन जा सकते हो। अब हमें यहाँ से ऐसे लाइन बना लेनी है, फिर ये सारी लाइन को हमें अब जो भी हमने सेंटर निकाला है ना वहां से हमें 1 इंच जितना डाउन जाना रहेगा। ये 1 इंच डाउन गए, अब ये पॉइंट्स को, ये सारे पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला लेना है। अब ये पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेना है, तो इस तरीके का हमारा स्लीव्स का शेप हो जाएगा। अब हमें यहाँ से तो सेम रखना है, फिर यहाँ से ऊपर आते टाइम इसको ज्यादा रख लेना है। ओके, अब जो हमारा नीचे की मार्किंग रहेगी वो हमारी फ्रंट पार्ट, वो हमारी बैक पार्ट की रहेगी और ये हमारी फ्रंट पार्ट की रहेगी। इस टाइप की स्लीव्स में ऐसा ही रहेगा। ओके, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसको ओपन कर लेंगे और जो हमारा बैक पार्ट का जो आर्म होल है उसको हम कट कर लेंगे। देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का रहेगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट का रहेगा। सेम हमें यहाँ पे भी लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर ली और जो हमारा फरमा था, ये हमने फरमा निकाला था ना, तो इसको मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के यहाँ से हमें हाफ हाफ इंच जितना सिलाई का ऐड कर लिया है। और हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में कहीं पे भी ओपन नहीं रहना चाहिए, तो ये हमारा फोल्ड रहना चाहिए। अब इस यहाँ पे हमें सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे, तो मैं इसके ऊपर आपको रख के दिखा देती हूँ। देखो इसको हमने निकाल लिया, तो ये हमारा फरमा रहेगा, ये भी हमारा फरमा है, ऊपर वाला जो है वो फरमा है, तो यहाँ पे मैंने सिलाई का ऐड कर लिया। अब फरमे को हमें संभाल के रख लेना है ताकि हम नेक्स्ट टाइम इस टाइप की ब्लाउज बनाए इसी नाप की, तब हम फरमे को यूज कर सके। और ये तो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। अब जो हमारा ये 3 फैब्रिक है ना, इसको हमें इसके बराबर ही मेन फैब्रिक को कट टू कट ही कट करना है। ओके, इसमें कुछ भी सिलाई का ऐड करना है ये सब नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा फोल्ड साइड रहेगा, तो उसमें भी हमारा यहाँ पे फोल्ड साइड ही रहना चाहिए। ओके, इतना आप कटिंग करके रख लेना। यहाँ पे हमारी ब्लाउज की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।